फ्रेंड्स, फाइनली शिवा और रावी दोनों ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं, तो क्या ये दोनों अब अलग हो गए, मतलब हमेशा के लिए दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, दोनों अलग हो गए हैं, ऐसा क्या हो सकता है? सो वेलकम टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है, सो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, और सॉरी फॉर दैट कि मतलब मैं वीडियोज नहीं डाल पा रही हूँ, बहुत मतलब अच्छी थोड़ी सी ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। कुछ टाइम में ये रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रहा था वीडियोस में। सो चलिए बढ़ते आगे की तरफ कि फाइनली शिवा पहले ही डाइवोर्स पेपर साइन करके डाइवोर्स पेपर भेजता है रावी के घर, और रावी को भी इतना ज़्यादा वो उकसाएगा कि फाइनली रावी जो है वो सिग्नेचर कर देगी और पेपर्स दोनों साइन कर देंगे। घर वालों के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी मतलब सारे के सारे लोग शिवा को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा मत करो, और अपने अपने तरीके से, जो कि आपके आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि धरा का इतना इमोशनली होके वो उसे समझाती, सभी लोग मतलब समझाते हैं, बट शिवा के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सो आज का एपिसोड वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो शिवा का जो दर्द है, वो दर्द में होते हुए भी सामने कुछ और बोल रहा है, उसके दिल में कुछ और है, वो किसी को भी ये नहीं जाहिर कर रहा है कि वो बिल्कुल मतलब रावी को पसंद करने लगा है, और इसलिए उसे फ्री करना चाहता है। उसे ऐसा लग रहा है कि रावी उसके साथ फंस गई है, बेमन का कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रही है, इस टाइप की चीज़ें उसको लग रही हैं, और इस वजह से वो ऐसा मतलब जो डाइवोर्स पेपर डाइवोर्स दे रहा है, वो उसने डाइवोर्स लेने का फैसला किया है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर, सारी चीज़ें चल रही हैं, और उसके बावजूद वो सारे घर वालों की डांट सुनता हुआ नज़र आ रहा है। सभी लोग उसे कोई भी सीधे मुँह बात नहीं कर रहा है, सभी उससे कटे कटे हो गए हैं, सभी लोग उससे दूर हो गए हैं, सारे रिश्ते उसके दूर हो गए हैं उससे। धरा जो इतना ज़्यादा मतलब प्यार करती है उससे, वो भी चाह रही है, बट फिर भी उसे उसकी सारी बातें याद आ जा रही हैं, कोई भी उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आखिर ऐसा शिवा कर क्यों रहा है। रावी तक को इतना ज़्यादा पता नहीं है, वो यही सोच रही है कि ये ऐसा है, अड़ियल है, क्योंकि वो खुद ही अभी गुस्से में है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर शिवा ऐसा क्यों कर रहा है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि डाइवोर्स पेपर साइन करने के बाद कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस बने जिससे कि रावी के सामने ये सच्चाई आ जाए कि शिवा जो है वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसके करने के ऐसा मतलब करने के पीछे उनका जो रीज़न है, क्या वो रावी तक पहुंच पाएगा, मतलब क्या रावी को पता चल जाएगा कि शिवा जो है वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो उसकी खुशी चाहता है, उसे खुश देख के खुश होता है और उसे पसंद करने लगा है, जिसके रीज़न की वजह से वो उसे फ्री करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि उसे चार लोगों के बीच, मतलब जैसा कि उसको गलतफहमी हुई है जब उसके फ्रेंड्स पूछते हैं उसे और वो नहीं बताती है, मतलब वो इस टाइप की चीज़ें, सारी चीज़ें जो है उसके दिमाग में घूम रही है, और इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो क्या रावी के सामने ये आ जाएगा? आई थिंक ये रावी के सामने जरूर आना चाहिए। तो क्या रावी के सामने अगर ऐसा होता है तो कितना अच्छा रहेगा, और आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि रावी को एटलीस्ट पता चले कि क्यों ऐसा वो शिवा, मतलब शिवा जो भी कर रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिससे कि पेपर साइन करने के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस अभी बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद डाइवोर्स होता है, ऐसे ही सिर्फ एक पेपर पर साइन कर देने से डाइवोर्स नहीं होता है। सो ये सारी चीज़ें अगर रावी के सामने आती हैं तो वो अपने स्टाइल में, मतलब कि मैं इसे समझाऊंगी और इस गधेड़े को ठीक करूंगी, इस टाइप के कुछ स्टाइल में आए और फिर दोनों के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री दिखाई जाए, तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और होना भी ऐसा ही चाहिए। बट इसी बीच धरा की प्रेगनेंसी का भी ट्रैक जो है वो स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद धरा का हॉस्पिटल में एडमिट होना, और ये सारी चीज़ों के होने के बाद ऐसा हो सकता है कि रावी इस वजह से घर आ जाए, और क्योंकि डाइवोर्स पेपर साइन करने से डाइवोर्स नहीं होता है, डाइवोर्स नहीं हुआ है उन लोगों का, मे बी कोर्ट की तरफ से, मतलब वकील, वो जो काउंसलर होते हैं जो समझाते हैं उनको, उन लोगों के पास इन दोनों को जाना पड़े, और फिर उन लोग टाइम जो दिया जाता है कि दो लोगों को एक साथ इतने दिन तक रहना है और उसके बाद ही डाइवोर्स फाइनल होगा, इस टाइप की कुछ चीज़ें हो सकता है इसमें आगे के ट्रैक में दिखाई जाए, और हम लोगों को कुछ अच्छे अच्छे ट्रैक्स देखने को, मतलब अच्छे अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले, इन दोनों की नोकझोंक देखने को मिले, और कहीं ना कहीं बातों ही बातों में हो सकता है कि शिवा के मुंह से गुस्से में ही सही या कैसे भी निकल जाए ये सारी बातें, तो रावी को कैसा फील होगा,
तो दोस्तों आई थिंक कि आगे आने वाले एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू और थैंक्स आप सभी को कि मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, आप लोग मेरी वीडियोस को मिस करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।